सागर जिले के 8 विधानसभाओं के लिए 3 दिसंबर को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना की जाएगी। विधानसभावार 8 कक्षा में मतगणना होगी। इसके लिए 200 अधिकारी और 800 कर्मचारी मतगणना स्थल पर तैनात किए जाएंगे। काउंटिंग की पारदर्शिता रखने के लिए हर कमरे में 4-4 और अन्य 12 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18-20-22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता, पता है गौर मूर्ति के पास, 3 बत्ती सागर। मतगणना को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न करने के लिए 500 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एसपी अभिषेक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 जगह पर चेकिंग की जाएगी। वहीं सुरक्षा और काउंटिंग के लिए तैनात किए गए कर्मचारी, अभ्यर्थी या फिर अभिकर्ता कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल कैमरा, कैलकुलेटर, घड़ी लिंक, पन, पानी बोतल, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पान, अस्त्र शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अभी वर्तमान में जो स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा है, आपकी जानकारी में है कि 3 लेयर सिक्योरिटी है उसमें। सबसे पहली लेयर जो इंटरनल लेयर है, जो स्ट्रॉन्ग रूम का सबसे क्लोज कवर है, वो हमारा CAPF है, SSB की एक हाफ कंपनी उसमें लगी हुई है। उसके बाहर हमारा SAF है और उसके बाहर हमारा जिला पुलिस बनता है। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन की व्यवस्था के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से बता दूं। 2 गेट हैं, जो गेट नंबर 2 है जहाँ पीछे से रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ जाते हैं, वो पूर्णतः बंद रहेगा। तो ये जानकारी रेखांकित हो जाए, क्योंकि जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उसका उपयोग जरूर किया था, लेकिन काउंटिंग में उसका उपयोग नहीं हुआ। इसके अलावा जो पहला गेट है, वहीं से सभी का, भले वो शासकीय कर्मचारी हों, हमारे मीडिया के बंधु हों, जो हमारे प्रत्याशी हों या उनके अभिकर्ता हों, जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे अधिकृत हैं जाने के लिए, उनका वहीं से एंट्री होगी और प्रॉपर दस्तावेजों की चेकिंग भी मेन रोड पे एंट्री गेट में होगी। मतलब जहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए राइट टर्न लिया जाता है, यदि हम मखरूमा की तरफ से जाएँ, उसी पॉइंट पे होगी। उस पॉइंट पे भी हम लोगों ने 3 एक बॉक्स बनाया हुआ है कि जो उस गेट से 50-50 मीटर की दोनों तरफ दूरी पे पहली चेकिंग होगी और दूसरी चेकिंग पर जैसे ही आप टर्न लेते हैं वहाँ से। तो आपके पास मीडिया के बंधु हैं तो आपके पास प्रशासन द्वारा जारी किया हुआ मीडिया का पास होना चाहिए और आपका एक आई कार्ड रहे तो रहता ही आपके पास, है ना, जो फोटो आईडी होता है सभी के लिए अनिवार्य किया गया। दूसरा, जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका जो पहले से ही जारी आई कार्ड है प्रशासन की तरफ से, वो रहेगा। इसके साथ ही साथ उनका आई कार्ड रहेगा, जो फोटो आईडी है, उनके जो अभिकर्ता हैं सभी के लगभग 15-20 जितने भी अभिकर्ताओं को उन्होंने दिया हुआ, तो 3 उसमें दस्तावेज हमें चाहिए। पहला दस्तावेज जो RO की तरफ से जारी उनका पहचान प्रमाण पत्र है या पहचान पत्र है, वो दिया हुआ है, वो वहाँ पर पहले गेट में चेक होगा। उसके साथ फॉर्म 18 जो है उसमें उसका एक फोटोकॉपी उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंबाइंड रूप से सभी के नाम लिखे हुए हैं, एक प्रत्याशी ने जितने लोगों को अपना नियुक्त किया है अभिकर्ता। और तीसरा, उनके पास उनका कोई भी फोटो आईडी जो शासन द्वारा मान्य किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड है, आपका एपिक कार्ड है, या फिर इसके अलावा जो भी, जिसमें फोटो और आपका नाम दोनों होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपकी 3 बार चेक होगी। तो पहला तो मेन गेट हो गया, उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आप सभी मीडिया के बंधुओं के लिए भी जानकारी आवश्यक है कि जैसे ही हम पहुँचते हैं तो पहला जो लेफ्ट टर्न आता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम की तरफ जाता है, वहाँ पर शासकीय कर्मचारी जो मतगणना में लगे हुए हैं और साथ ही साथ मीडिया के बंधुओं के लिए वहाँ पार्किंग है, तो आप लोगों को वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना है और स्टेडियम के अंदर अपने वाहन पार्क करके और उसके बाद सीधा जो अपना मीडिया के अंदर जाना है। जो हमारे ये प्रत्याशी हैं और उनके साथ साथ जो एजेंट्स अभिकर्ता हैं, वो उस पॉइंट से सीधा चले जाएंगे और जो कॉलेज की बिल्डिंग उनके पीछे काफ़ी बड़े एक क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था उनकी की गई है, वहाँ फ्लैग्स लगे हुए, तो सभी लोग उन पार्किंग में कंबाइंड रूप से, वहाँ पे सेग्रीगेटेड है, पर्याप्त व्यवस्था है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। पहला जो पॉइंट है, वहाँ से आपके आई कार्ड चेक किए जाएंगे, वहाँ से फोन उस पॉइंट पे चेक नहीं हो रहा है, लेकिन ये दूसरे पॉइंट पे फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपकी घड़ी, कैलकुलेटर, किसी भी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर देता है। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18-20-22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता, हार, चूड़ी, चैन, अंगूठी, चांदी के बर्तन एवं मूर्ति, करधौनी, पायल। पता है गौर मूर्ति के पास, 3 बत्ती सागर।